our last lectures ke management kya hai, ke how we going to manage, organize, plan our activities, ya humne jo jo functions provide, kiske liye, purpose kya hai in order to achieve our goal. गोल को अचीव करने के लिए हम अपनी एक्टिविटीज को प्लान कैसे कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं, कंट्रोल कैसे कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. एंड अलॉन्ग विद दैट इन ऑर्डर टू मेंटेन यू कैन से कोलैबोरेटिव और यू कैन से कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट अमंग द मेंबर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन या एनी सिस्टम. ठीक है, अब एनजीओस की जब हम बात करेंगे तो एनजीओस बिकॉज वी नो दैट एनजीओस आर देयर, उनका कोई मकसद होता है खास, तभी वो एनजीओस बनती हैं. या तो उनका मकसद एडवोकेसी लेवल पे होगा कि हमने कोई पॉलिसी के अंदर चेंजेस लेके आने हैं, हमने नई पॉलिसीज प्रेजेंट करनी है, हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई काम करना है, हमने ह्यूमन राइट्स रिलेटेड कोई काम करना है, हमने एनिमल राइट्स रिलेटेड काम करना है, हमने डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई काम करना है, या किसी सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई काम करना है. तो उनका ये जो फोकस होता है, उनके ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, देयर ऑब्जेक्टिव्स कैन ओनली बी मेड फुलफिल्ड और देयर एक्शंस कैन बी सक्सेसफुल अगर वो प्रॉपरली मैनेज करेंगे अपनी तमाम एक्टिविटीज को, अगर वो प्रॉपरली मैनेज करेंगे अपने तमाम फंक्शंस को, अपने तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन इनकी है, दिस इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ना, so how it is going to deal with all of its activities, उन activities को कौन देख रहा है, किस तरह से देखेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसको कौन किसके के superior होगा, उसको head करेगा, वो lead करेगा. finance की बात आती है तो वो financial चीज़ों को कौन देख रहा है, human resource से बात आती है तो human resource से कौन देख रहा है, इसकी accountability के बारे में, इसकी financial resources के बारे में. तो इन सब चीज़ों को देखना, इसको इसको properly आप ही कह सकते हैं प्लान करना, प्रॉपरली प्लानिंग ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, या इन ऑर्डर टू टू फुलफिल इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल. ठीक है, तो वो हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ एनजीओज हो जाएगा. जैसे हम आम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि हमने अपनी एक्टिविटीज को प्लान किया किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए, इसी तरह से एनजीओज का भी कोई ना कोई खास मकसद होता है जिसके तहत वो काम कर रही होती हैं. तो उन एनजीओस का के उन कामों को, उनके गोल्स को, उनके मकासद को हासिल करने के लिए जो आप पूरा पीछे प्लान बनाते हो, जो आप पूरा एक मैप बनाते हो, वो आपकी मैनेजमेंट ऑफ एनजीओस कहलाएगी, या आप इसको कह सकते हो दी एनजीओ मैनेजमेंट. राइट, सो व्हाट इज दैट कि जो एनजीओ की जो कैटेगरीज है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आ सकती हैं, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं. ठीक है, इन एनजीओस का मकसद सिर्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है कि सिर्फ वो डेवलपमेंट करेंगे किसी भी एरिया के अंदर, बल्कि इट इन्वॉल्व्स अ मल्टीपल लेवल ऑफ एक्टिविटीज. ठीक है, ये डिफरेंट रेंज ऑफ एक्टिविटीज. अब अगर हम ये देखते हैं ईडी की बात करते हैं, तो ईडी इज एन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. अब ईडी तो जाहिर सी बात है, आप ये तो नहीं कह रहे कि ईडी डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, वो कहीं सी जगह पे जाके सिर्फ हॉस्पिटल बना रही है. लेकिन आप ये देख सकते हो कि इट इज़ प्रोवाइडिंग डिफरेंट रेंज ऑफ एक्टिविटीज. वो फ्री एम्बुलेंसेस देती है, वो उन लोगों को की तदफीन करवाती है जिन लोगों के जो नामालूम अफराद होते हैं. ठीक है, जो कि जिनके लवारिस होते हैं, उन लवारिस की तदफीन करना, उन लवारिसों को उनकी उनको गुसल देना, तो ये भी तो एनजीओ की एक्टिविटी में आ गया ना. तो एनजीओ की एक्टिविटीज, या एनजीओ कभी कभी आप ये भी देखते हो कि वॉर जोन्स जो होते हैं, इससे सीरिया की अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पे वॉर जोन्स है, वॉर जोन्स के अंदर भी वो काम कर रही होती हैं, वो एक तरफ पीसफुल एरिया के अंदर भी काम कर रही होती, तो कहीं कन्फ्लिक्टिंग जोन में भी काम कर रही होती. सो इट इज एनजीओस कवर अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज जो कि सिर्फ डेवलपमेंट के हम एस्पेक्ट में देख सकते, बल्कि बहुत सारी उस चीज़ों को डील कर रही होती है. और क्योंकि अब एनजीओज अपने डिफरेंट रोल प्ले कर रही होती है इन डेवलपमेंट में. ठीक है, तो इस डेवलपमेंट का जो उसका रोल होता है ना, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही होती है, और इस तरीके को देखना कि वो डेवलपमेंट कर कैसे रहा है, व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द मेथड्स दैट एनजीओ इज यूजिंग इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स गोल. तो वो जो तरीके हैं, उन तरीकों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं जाती, बल्कि ज़्यादा तवज्जो किसके ऊपर जाती है कि ये कैसे डेवलपमेंट कर रहा है, कौन सी डेवलपमेंट कर रहा है. अच्छा, उस डेवलपमेंट का रोल, अगर उसने पॉवर्टी का रिड्यूस करना है, अगर उसने अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करवाना है, अगर उसने लिटरेसी रेट को इंक्रीज करवाना है, तो उसका लेवल क्या है.
तो ये जो कहते हैं कि जो अटेंशन है उसकी पहले एनजीओ की, वो सिर्फ उसके डेवलपमेंट के एस्पेक्ट तक महदूद थी. बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड कि ये ऑब्जर्व किया गया, इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया कि अगर हम नए एनजीओ की वर्किंग को प्रॉपरली या उसके गोल्स को 100% अचीव करने हैं, तो हमने ये भी देखना है कि उसको मैनेज कैसे किया जाए. उस एनजीओ की प्रॉपर मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी दूसरे सिस्टम या उनकी जो मैनेजमेंट है वो इंपॉर्टेंट है. तो लेट 1980s में एक डिबेट हुई थी इन इंटरनेशनल काउंसिल फॉर वॉलेंट्री एजेंसीज, इनका एक न्यूज लेटर था, ठीक है. इस न्यूज लेटर में क्या हुआ था, एक डिबेट चली थी. उस डिबेट के अंदर उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने उस डिबेट के अंदर ये डिस्कशन स्टार्ट हुई थी कि एनजीओस क्या करें, वो जो मैनेजमेंट के जो आम कॉमन कॉन्सेप्ट्स हर कोई यूज कर रहा होता है, जो मैनेजमेंट हम जैसे अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई मैनेजमेंट हो रही है, या डिफरेंट इदारों में जो मैनेजमेंट जिस तरह से की जा रही है, एनजीओ के अंदर भी उन्हीं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को यूज करना चाहिए, ठीक है. एक ग्रुप वो था जो ये कह रहा था कि जो मेन स्ट्रीम मैनेजमेंट के थ्रू की चीज़ों को एनजीओ लर्न करें और वो अपने उस हिसाब से फंक्शन करें, ठीक है. और दूसरा ग्रुप किसकी बात कर रहा था, वो ये कह रहा था कि एनजीओज मुख्तलिफ हैं, उनकी डिफरेंट वर्किंग है, वो बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से काम कर रही होती है, इसलिए वो अपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाएं, ठीक है. दे शुड मेक देयर ओन डिस्टिंक्टिव मैनेजमेंट आइडियाज, ठीक है, ताकि वो जो तरीका पहले से चलता आ रहा है या फिर जिस तरीके पर बाकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं वो उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो. इसलिए क्या हुई कि एनजीओज आर लाइक देन द डिबेट स्टार्टेड और यू कैन से देन द वर्किंग वाज स्टार्टेड ऑन दैट एनजीओ मैनेजमेंट का जो मेन वर्किंग थी या उसकी तरफ इंपॉर्टेंस फिर चली गई. एनजीओज कह रहे हैं कि दीज आर लाइक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, और इसलिए उस ऑर्गेनाइजेशन की होने की वजह से इसको वेल एस्टैब्लिश मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना या उनको इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसको एक इन्होंने एक कॉन्सेप्ट के तौर पर क्या बता दिया कि वट इज़ एनजीओ मैनेजमेंट, इट इज़ लेस ऑफ अ फ्री स्टैंडिंग सिस्टम ऑफ आइडियाज एंड अप्रोचेस, कि एनजीओ मैनेजमेंट सिर्फ आइडियाज या अप्रोचेस की कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है, बल्कि ये किस चीज की बात कर रहा है कि ये ऐसी एक्टिविटीज का प्रोडक्ट है, ऐसी ऐसे कामों का, ऐसे एक्शंस का मिलाप है या मजबूआ है जो उस एनजीओस को हेल्प आउट करता है अपने मकासद को हासिल करने के लिए, ठीक है. तो एनजीओ मैनेजमेंट सिर्फ आइडियाज नहीं है, बल्कि एनजीओ मैनेजमेंट यू कैन से दैट दीज आर द वेज. एनजीओ मैनेजमेंट इज प्लानिंग, एनजीओ मैनेजमेंट इज अबाउट मैनेजिंग द एक्टिविटीज in order to gain, in order to fulfill the organization's objectives. Yeah, another term which they have associated with that NGO management, to manage, to monitor and evaluate increasingly complex programs. ठीक है, कि बहुत सारे, क्योंकि एनजीओ के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स उन्होंने शुरू किए होते हैं, यू कैन से कि प्रोजेक्ट शुरू किए होते हैं, या वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ की जो अपनी वर्किंग हो रही होती है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. तो इसको किस तरह से करना है, कि इसको इस तरह से मैनेज करना है, इवेलुएट करना है या मॉनिटर करना है, ताकि वो जो एनजीओ है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम कर सके, बेहतरीन तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स को फुलफिल कर सके. अब अगर एक एनजीओ प्रॉपरली मैनेज्ड होगी, अगर एक एनजीओ प्रॉपरली अपने एक्टिविटीज़ को, अपने एक्शंस को किसी खास प्लान ऑफ एक्शन के मुताबिक चलाएगी, तो इसका मतलब है कि जो बाकी फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एनजीओ के साथ लिंक है, उनका इस एनजीओ के ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाएगा. या जैसे आप ये कहते हो कि आप उन ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं जो कि आपको या वैसे ही अपने इवन अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपने इर्द गिर्द देखते हो कि अगर आपने किसी को कोई पैसे दिए हैं किसी काम के लिए, तो आप उससे सबूत मांगते हो ना कि अगर आपको मैंने इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम के लिए कोई ये फंडिंग फॉर एग्जांपल कोई पैसे दिए, तो यू हैव टू गिव मी अ प्रूफ कि ये इस चीज़ पर इतना लगा, इस चीज़ पर इतना लगा, इस चीज़ पर इतना लगा. तो क्योंकि हमें ये पता है कि एनजीओ चल ही फंडिंग पर रही होती हैं, एनजीओ का सर्वाइवल फंडिंग के बगैर पॉसिबल नहीं है. तो जो फंडिंग एजेंसीज हैं
उन फंडिंग एजेंसीज के साथ अपना लिंक मेंटेन रखने के लिए एनजीओ का प्रॉपरली अपने को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फंडिंग के हिसाब से हो रहे तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं कि उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डील करना, उसकी रिपोर्ट्स बनाना, उन रिपोर्ट्स को पब्लिक करना, उस फंडिंग एजेंसी के साथ शेयर करना, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या एक और दिस अनदर यू कैन सी द कॉन्सेप्ट लिंक्ड विद दैट एनजीओ मैनेजमेंट, या आप डेफिनेशन कह सकते हो कि एनजीओस ईच सीकिंग टू बिल्ड एंड एनेक्ट रेंज ऑफ आइडियाज, टूल्स एंड टेक्निक्स, कि क्या हर एनजीओ क्या कर रही होती है, मुख्तलिफ तरीके के आइडियाज लेके आ रही होते हैं, मुख्तलिफ वेज यूज कर रहे होते हैं अपने उन आइडियाज को एक प्रैक्टिकल शेप में लाने के लिए, ठीक है। और वो क्या डील कर रही होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज कर रही होती हैं, और इट और उस एनजीओ के रिलेशनशिप्स भी होती हैं, एनजीओ का रिलेशन विद द गवर्नमेंट कैसा है, एनजीओ का रिलेशन विद द जो आप बेनिफिशरीज कह सकते हैं वो कैसा है, एनजीओ का रिलेशनशिप विद फंडिंग एजेंसीज कैसा है, एनजीओ का रिलेशनशिप किसी दूसरी एनजीओ के साथ कैसा है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस या इन्वायरमेंट्स, इन सब चीज़ों के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, प्लानिंग, मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड लीडिंग, दीज आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ या प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो इन चीज़ों का होना एनजीओ का आप ये कह सकते हो कि इसके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। उसको सर्वाइवल एनजीओ का तब तक नहीं होगा जब तक वो प्रॉपरली अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी वर्किंग को, अपने एक्टिविटीज को, अपने आप ये कह सकते हो प्लान्स को मैनेज नहीं करेगी, तब तक वो एनजीओ आप ये कह सकते हो कि उसके ऊपर जो एक इफेक्टिव वर्किंग या इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन या एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन का जो लेबल है वो इस तरह से नहीं लग सकता। एनजीओ मैनेजमेंट जो है वो कहता है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, या दिस इज अ कॉम्प्लेक्स आप एक सिचुएशन कह सकते हैं, क्योंकि एनजीओस हर मुख्तलिफ फील्ड के लिए के अंदर काम कर रही हैं। तो जैसे एक तरफ मैंने आपको बताया कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक एनजीओ काम कर रही है, तो दूसरी एनजीओ क्या कर रही है, वो दूसरी एनजीओ आप ये कह सकते हैं जैसे एडवोकेसी के लिए काम कर रही है, ठीक है। एक एनजीओ अगर पॉवर्टी को रिड्यूस करवाने के लिए काम कर रही है, या उनके वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को के लिए के से लिंक काम कर रही है, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन एनिमल राइट्स से रिलेटेड काम कर रही होगी। तो एनजीओ की डिफरेंट रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ की वजह से तो एनजीओ मैनेजमेंट एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, एक बहुत ही डाइवर्स फील्ड है, इसके अंदर रिसर्च होना और रिसर्च होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जब एनजीओस बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलाइज्ड हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल होगी एनजीओस, प्रॉपरली उन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उनकी कोई वर्किंग है, उनके कोई गोल्स उन्होंने बनाए हुए हैं, और उस एनजीओस के साथ एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई हैं। एक तो वो प्रोफेशनली काम कर रही है और वो बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम करने के साथ क्या हुआ कि उस एनजीओ के साथ फिर एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं कि चूंकि ये इस तरह से काम कर रही है, तो इट मींस कि ये एनजीओ फिर अगर दूसरी जगह पे काम करेगी तो वहाँ पे भी ऐसा बेनिफिट्स मिलेंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। तो इसलिए जब एनजीओस प्रोफेशनलाइज्ड हो जाती हैं, एनजीओस की जो ग्रोथ है, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ जाती हैं, तो उन एनजीओस की जो मैनेजमेंट की डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाती है। और इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट कि इन एनजीओ से रिलेटेड इन एनजीओ के का स्ट्रक्चर किस तरह का है, उस क्या उसका ढांचा किस तरह का है, यस एनजीओस ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी मैनेजमेंट क्या हो रही है, उनके ऊपर लिटिल ऑफ लिटरेचर प्रेजेंट है, मतलब इतनी ज़्यादा इस एनजीओ मैनेजमेंट के ऊपर इतनी रिसर्च, इतना काम नहीं हुआ होगा, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके ऊपर काम किया जाए, ठीक है। इमर्जिंग, ये एक इमर्जिंग फील्ड है, अभी भी आप कह सकते हो कि इसे कुछ अर्सा हुआ है इस एनजीओ मैनेजमेंट के कि आप कह सकते हो कि फील्ड को स्टार्ट हुए हुए, ठीक है। और ये भी देखना बहुत ज़रूरी है द की मैनेजमेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय द एनजीओ, कि एनजीओ जो है वो किस तरह के मैनेजमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस फेस कर रही हैं। अगर हमें एनजीओ मैनेजमेंट के बारे में पता होगा तो हमें मैनेजमेंट से रिलेटेड एनजीओ में कोई भी मसाइल अगर होंगे, कोई भी इश्यूज अगर फेस करने पड़ रहे हैं, तो हम उनको प्रॉपरली मैनेज कर सकेंगे।
और ये कह रहे हैं कि इनका जो फोकस है एनजीओस का, कि जैसे ये इसका पर्पस है कि इसने पॉवर्टी रिडक्शन करनी है, जैसे हम पहले आपको जिक्र किया कि पहले ये फोकस होता था, या पहले ये बात होती थी कि एनजीओस ने पॉवर्टी रेट को कम कर दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम कर दिया है, लिटरेसी रेट को बढ़ाने में अपना रोल प्ले किया है, तो उनकी इस काम से अब तवज्जो किसकी तरफ चली गई है कि वो एनजीओस ये काम करती कैसे हैं, ठीक है, एनजीओस ये काम किस जरिए से करती हैं, व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द मेथड्स दे आर यूजिंग, और जो तरीके वो इस्तेमाल कर रही हैं क्या वो तरीके प्रॉपर हैं, लीगलाइज्ड हैं, और यू कैन से कि वो अंडर प्रॉपरली एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के थ्रू काम कर रहे हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी की जैसे बात कर सकते हैं, उनके इफेक्टिवनेस के बारे में बात करते हैं। तो अगर पहले ये चीज़ होती थी कि हमने सिर्फ ये देखना है कि एनजीओ क्या काम कर रही है, ठीक है, अब क्या काम करने से जो इसका फोकस है वो शिफ्ट होकर किसकी तरफ चला गया है कि हाउ इट इज़ गेनिंग और हाउ इट इज़ फुलफिलिंग इट्स गोल्स, ठीक है, वो कौन से ऐसे तरीके अपना रही है, वो कौन से ऐसे स्टेप्स ले रही है और वो स्टेप्स कैसे ले रही है। पहले अगर ये बात होती थी कि एनजीओ पावर्टी को रिड्यूस कर रही है, तो अब ये बात होती है कि अगर वो पावर्टी को रिड्यूस कर रही है और वो कोई पैसा लगा रही है किसी किसी भी एरिया के अंदर उन लोगों की पावर्टी को रिमूव करने के लिए, तो उस पैसे का पीछे जरिया क्या है, उस पैसे उस फंडिंग का पीछे सोर्स क्या है, वो फंडिंग कहाँ से आई है, कैसे आई है, कितनी आई है, और अब जो फंडिंग दे भी रहे हैं वो भी प्रॉपरली इनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखे हुए हैं कि आपने हमें बताना है कि कितना आपने यूज किया, कैसे किया और किधर किया, तो दैट कम्स ऑल विद इन द डोमेन ऑफ दैट एनजीओ मैनेजमेंट। इसलिए कहते हैं कि जो मैनेजमेंट के ऊपर जो अटेंशन है वो देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कि मैनेजमेंट एनजीओ मैनेजमेंट के ऊपर इतनी ज़्यादा पहले रिसर्च नहीं हुई भी, उसके ऊपर इतना लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं हुआ हुआ, तो इसलिए इस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट कैपेसिटी इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर प्राइवेट एंटिटीज, पब्लिक एजेंसीज, नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स और नॉन गवर्नमेंटल वैराइटीज, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की भी हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट उसका पर्पस है, उन सब के लिए मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जब तक मैनेजमेंट नहीं होगी तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकेगी, और देन इस वजह से, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की वजह से जो 1980s में डिबेट हुई थी, और उस डिबेट की वजह से क्या हुआ कि फिर 1980s से लेकर 1990s में फिर छोटे शॉर्ट आर्टिकल्स आना शुरू हो गए, इसी जो आपको मैंने बताया कि ये जो एक ये बना हुआ है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर वॉलेंट्री एजेंसीज, ठीक है, इस काउंटर के इस एजेंसीज का एक न्यूज़ लेटर होते हैं, ठीक है, वो फिर इन न्यूज़ लेटर आना शुरू हो गए, इन न्यूज़लेटर में डिस्कशन स्टार्ट हो गई कि एनजीओ मैनेजमेंट क्या है, क्यों होना ज़रूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस पे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट जर्नल्स में भी, एकेडमिक जर्नल्स में भी ये एनजीओ मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कशंस फिर स्टार्ट हो गई। और ये स्टीवर्ट ने कहा था 1997 में एक टर्म दी थी कि ये स्टार्ट हुई है स्कूल ऑफ एनजीओ मैनेजमेंट साइंसेस के, एक इमर्जेंस शुरू हो गई है 1997। अब आप ये खुद देखो, ठीक है, कि 1997 में इस एनजीओ मैनेजमेंट के ऊपर जो अटेंशन थी वो स्टार्ट हो गई है। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि अगर आप फेलियर कहते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ एनजीओ इनिशिएटिव्स, कि अगर एनजीओ कोई इनिशिएटिव लेती है, कोई अपना स्टेप उठाती है, अपने किसी पर कोई काम भी करती है, तो अगर वो अपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाती, अपने अगर उस प्रोजेक्ट को उस एक्टिविटी में कामयाब नहीं होती, तो उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, लैक ऑफ अटेंशन टू द बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कि उसने प्रॉपरली मैनेजमेंट को ख्याल ही नहीं किया, ठीक है, प्रॉपरली मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसकी जो बेसिक्स हैं, उनको जहन में रखा ही नहीं, और उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने फंडिंग मतलब जो रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज मौजूद थे, वो उन्होंने सारे के सारे लगा दिए। ओके, सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट कि अगर एनजीओ कोई इनिशिएटिव लेती है और अगर वो इस इनिशिएटिव में फेल हो जाती है, तो उसके पीछे वजह क्या थी, कि उसने जो मैनेजमेंट के बेसिक्स थे,
मैनेजमेंट के जो बेसिक के जो प्रिंसिपल्स थी उन प्रिंसिपल्स को इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दी थी। और प्रिंसिपल्स ये बेसिक्स उन्होंने क्या बताई है, फॉर एग्जांपल उन्होंने ये नहीं इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दी कि हम अपना हमारा जो स्टाफ होगा वो प्रॉपर होगा, वो स्टाफ हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा होगा, या जो हमारी एनजीओ के साथ पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स हमारे अप्रोप्रिएट होंगे। ठीक है, उन्होंने पर्पज़ नहीं बनाया हुआ, क्लियर गोल नहीं बनाया हुआ, उन्होंने अपने कम्युनिकेशन जो रखनी थी बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या बाकी मेंबर्स के साथ वो प्रॉपर नहीं की हुई थी। तो दैट शोज, ये उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि जो एनजीओ अगर कोई इनिशिएटिव्स देती है तो उसकी वजह, और अगर उस इनिशिएटिव में फेल हो जाती है अचीव करने में, तो इसका क्या मतलब है कि उसने जो मैनेजमेंट के बेसिक्स हैं, जो मैनेजमेंट के जो मेन प्रिंसिपल्स थे उसको उसने इस्तेमाल नहीं किया, उसको देखा नहीं, उसको अटेंशन नहीं दी, और उस वजह से क्या हुआ कि वो जो एनजीओ थी वो प्रॉपरली अपने अपने उस गोल को अचीव